सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी दो मिनट रुक जा बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने। घुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटके लिया करते फिर रहते तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने का तू याद करेगा। दस दियो अनुज जमशेद साहब, आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? बस कीजिए ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे। क्या? हाय मैं तानू दस रही हाँ, सल्लू तो सोना मुंडा, चंगा मुंडा, तानू पूरे पिशावर की पूरे पाकिस्तान इच नहीं लभना। सही कह रही हो शाना, लेकिन बीजान। हाय बीजान दफा, मेरा मतलब है कहने का कि बीजान का क्या है, वो तो वो शुद्धनी जो है जिया उसकी पढ़ाई भी पट्टियों पे चल रही है, क्यों जलाल पाए। बात तो सच है मगर बात रुसवाई का। हाय मैं बता रही हूँ हमें ना कुछ नहीं चाहिए, पैसा दिला तो चाहिए नहीं है, ना हमने लेना है जहेज, खर्चा भी सारा हम उठाएंगे। और जान जी भी मैंने वो जो तारीख पक्की की थी ना जिया अरसल की, उसी दिन लेकर आनी है, पूरा खानदान है ना घास खा के थले डिग जाना। लेकिन ये बीजान की इजाजत के बगैर कैसे होगा? क्या बीजान बीजान लगा रखा हुआ है, औलाद हमारा है फैसला हम करेगा, बीजान कौन होता है फैसला करने वाला। ये चलाल भाईजान है तुसी कीती ना मर्दा वाली गल, वो केड़ा मुहावरा है, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। नहीं भाभी जान, नहीं हम लोहार नहीं है, हम यूसुफजई है। मुहावरे भी समझाने पड़ेंगे, चलो कोई नहीं मैं समझा लूंगी। लेकिन तुम देखना बीजान ने इतना शोर मचाना है ना। ना इतनी सी तो बीजान है, कितना को उन्होंने शोर डाल लेना और कितने दिन डाल लेना है। बस आप ना मुझे हाँ में जवाब दें, फैसला करें, इतने कम दिन रह गए। बस हमने फैसला कर लिया, आप हमारा तरफ से हाँ समझो। ऐ कीती है ना चंगी गल, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, 3 बारी हो गया तो हो गया फैसला, मैं जाके ना जमशेद साहब को बताती हूँ, बड़ा चंगा फैसला किया है तुसी। हथेली पे सरसों जमाने की क्या जरूरत थी? वो बेवकूफ औरत, बगैर जेज और खर्चे के कौन सा रिश्ता इधर हमको मिलेगा, उधर पिखावर में हमारा सारो कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अच्छा है ना, मिलजुल कर रहेंगे इधर हम सब, तुमको मिलजुल कर रहना अच्छा नहीं लगता? हाय शादी से पहले तुम कितना रोमांटिक था, अब ने लव मैरिज किया है, बस करे ना। बीजान सिर्फ 100 रुपए? हाँ और क्या, मैं 1 मिलियन दूंगी। सोच ले फिर भी कोई और काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ब्लैकमेलर बनने की जरूरत नहीं है। शाबाश, अभी जाके ना रजी को बुला, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस खानदान में छोटा बच्चा होने से अच्छा बंदा खोता ही हो। हरकतें तो तेरी बिल्कुल खोतों वाली है ना। मतलब लिख ले का भूल ही गया मैं, पहले पहले पैसे लूंगा फिर बाद में सर्विस दूंगा। अच्छा अच्छा ले लेना, अभी तो मेरा काम कर। जिया वो अपनी माँ से कहना चूल्हा जरा जल्दी फारग कर दे, कल भी मेरी आधी अफ्तारी रह गई थी। अच्छा ऐसी कौन सी मैंने शब्द देख चढ़ा दी थी कि आपकी इफ्तारी रह गई थी? देखो नीमा मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए हैं, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। शुक्र है चूल्हे की बात की है, ये नहीं कह दिया कि सुई गैस भी आपके मियां ने इजाद की है। हाँ तो हो और क्या, इस घर का सारा बोझ जो है ना वो मेरे मासूम शौहर के नातवां कंधों के ऊपर है, कोई शक है? वैसे भाभी आप इतनी ओछी और हल्की बात करेंगी ना, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ लेकिन मुझे अंदाजा था, फिर भी मुझे देखो कि तेरी पूरी दुनिया जान की नकम्मी फुअड़ बद जबान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया, शुक्र है हमारी जान जो है वो जल्दी छूट गई है। तो आपका बेटा कौन सा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट लगा हुआ है, हमने तो शुक्राने के नफल पड़े है, बला टली हमारे सर से। क्या चिड़िया घर बना दिया है तुम लोगों ने घर को, हर वक्त एक शोर मचा रहता है, चीं 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 चीं, खुदा के लिए बंद कर दो अब ये। बीजानी आपकी बड़ी बहू है ना, उन्होंने फसाद शुरू किया है।
और ये जो परकटी चिड़िया उड़ती फिर रही है घर में, इसका भी मैं करती हूँ इलाज। अरे तुम्हारी सोच होगी, दोनों ने तो एक दूसरे को इतनी बातें सुनाई कि मैं, मुझे अंदर से हंसी भी आ रही थोड़ी थोड़ी, मैं तो मजा ही ले रही थी मैं तो, और एंड में थोड़ा सा उन्होंने मुझे भी सुना दिया। शुक्र है तुमने अम्मा की बातें दिल पे नहीं ली इस दफा। लेकिन सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी जी ने कोई PhD कर रखी है, वो भी अमेरिका से ताने देने में। वैसे चची जान ने भी इंसल्ट करने का ना कुछ खास ही डिप्लोमा लिया है, वो भी ये भूटान टाइप जगह से। हटो यहाँ से, छोड़ो इन सारी बातों को। वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, अरे क्या मजे का झगड़ा था, सिर्फ भिको कि दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि मुझे तो मजा ही आ गया। यार तुम डीजे की तरह वीडियो भी बना लेती, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। हां तो क्यों, तो मैं वीडियो की पड़ी थी। वीडियो छोड़ो, तुम्हारे तो बड़े रिश्ते थे। अरे भाई मतलब पक्की सजेगी, बारात जाएगी, जश्न मनेगा, है भाई क्या बात है। जाने दो यार, दिल्ली अभी बड़ा दूर है। मेरे दोस्त इतना शर्मा क्यों रहे हो, दिल्ली भी करीब आ जाएगा, लेकिन तुम तो पहले किंजा को सेट करो ना। यार जी हाँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, सच पूछो तो। हाँ ऐसे अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन होना तो यही था ना एंड में। सच में बताऊं, ऐसा मजा आया ना उनकी लड़ाई का, मैंने तो कभी इतनी जहरीली बातें दोनों को एक दूसरे के लिए मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना होगा, मैं तो पागल ही हूं। सीखते कहां से हैं ये लोग यार। हां सर, आओ मिलो, आओ। कहां लेके जा रहे हैं जिम्मी जी? मुझे बात करनी है ना, आओ तो सही। एक तो घर में पहले ही इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम खफा हो रही हो। तुम्हारी बीवी सारे खानदान में रिश्ते तय करती फिर रही अपनी फकरियां पेशकश के साथ। हैं? अब कौन सी फकरिया पेशकश? अरसल अपने बेटे को ही तो समझती है वो फकरिया पेशकश उस पूरे खानदान में। देखा है तुमने, देखा कैसे देवदास बने हैं अब्बा जी। मैं जा रहा हूँ। क्या पागल हो गए हो यार, वो फिर अपना बैग बांध के घर छोड़ के चली जाएंगी, नहीं करना ऐसी गलती दोबारा। ओफ तुम छोड़ो उन बातों को, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोल के कंगन? नहीं बाबू, कांच की चूड़ियां हैं। मेरे नसीब में कांच, पीतल और प्लास्टिक की चूड़ियां रह गई है जिम्मी जी, रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान कंगन भी ला दूंगा, लेकिन ये चूड़ियां भी बहुत मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब गुस्सा छोड़ दो ना। हैं सिर्फ चूड़ियां? नहीं ये देखो ना, ये सूट भी है तुम्हारे लिए, ये अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं जो कहोगी ला दूंगा, बस सिर्फ जरा वो खान साहब से दूर रहना, उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है मुझे, खामखा तुमसे फ्री होने की कोशिश करता रहता है। अच्छा ना छोड़े ना उसे, ये पकड़। अब ये ना चूड़ियां मुझे अपने हाथों से पहनाते। ओए ये तो चूड़ियां भी अम्मा की है। नहीं अरे पागल हो गए हो क्या ताई जी, ऐसी सस्ती चूड़ियां थोड़ी पहनती हैं, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती चीजें ताई जी नहीं पहनती। हम अंदर चलते ना, हम देखते कि अंदर क्या हो रहा है, वहां भी तो चल रहा था ना बहुत कुछ। चलो करूंगा तुम्हें जरूर कुछ। हां ये ला। आउच, अल्लाह आपको चूड़ियां भी पहनानी नहीं आती जिम्मी जी। बाहर निकालें, तुम बहुत प्यारी है। बस मैं सारी चूड़ियां तुम्हें ला दूं, तुम कहो तो सही। बस ये मुमताज बेगम, तुमने जो खानदान को जोड़े रखने के लिए किया है ना, वो है काबिले तहसीन। आसान लफ्जों में बात करो शाहजहान। नहीं आसान लफ्जों में भी अगर बात करूँ ना तो बात हमारे इख्तियार से निकल चुकी। क्या मतलब? मतलब ये कि जमशेद और नजाकत तो एक दूसरे से बदगुमान है, और उनकी बीवियाँ एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। तो तुम समझाओ ना उन्हें, तुम ही चौधरी बने फिरते हो, आप संभालो उन्हें। तो बात ये है कि मामला अब इस चौधरी के इख्तियार से भी निकल गया है। आगा जी आपने बुलाया था? हाँ बहुत जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। अगर बात अरसल और जिया के रिश्ते की है तो कल भी इनकार था और आज भी इनकार ही है। कमाल है, कोई अमेरिकन सदर की बेटी है क्या वो? क्या हो गया तुम दोनों को?
बदतमीज से बात करना भूल गए हो क्या? बात करने की गुंजाइश अब रह नहीं गई बीजान, इसने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ दिया। छोटे होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सर झुकाए बड़ों से जूते खाते रहो। देखा देखा आपने लहजा इसका। और तुम, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? क्या बेतुके रिश्ते जोड़ रही है खानदान में? बीजान जब मासूम और जलाल भाई को एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अरे एक ही खानदान की एक लड़की को छोड़कर दूसरी से रिश्ता जोड़ रहे हो, कुछ तो शर्म करो। वैसे बात तो है शर्म की जमशेद मियां। आगा जी शाहना ने मुझे बताया था कि मासूमा को कोई एतराज नहीं है, तो बेहतर होगा कि कोई और भी एतराज ना करे। आगा जान अगर लेने वाले को एतराज नहीं, देने वाले को एतराज नहीं, तो आप बीच में रोड़े क्यों अटका रहे? करने दें, भाड़ में डालें। देखा आपने? अच्छा फिक्र मत करें, हो जाएगा कुछ। चले आइए। अरे आइए। सुना है दस्तरखान के साथ साथ गेस्ट भी तकसीम हो गए हैं आज। मासूमा पप्पू की फैमिली हमारे हिस्से में और आगा जी और बिल्लो आंटी तुम्हारे हिस्से में आए हैं। बिल्लो आंटी तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहनकर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर? इस तोहफे की तो मैं ऐसी बैंड बजवाऊंगा कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। कितने जालिम इंसान हो तुम अरसल, दो प्यार करने वालों के बीच में आना कोई इंसानियत नहीं है वैसे। देखिए जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। वाह 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 वा। मजा आ जाएगा आज अफ्तार का। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी तैयार हो गए हैं, नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। तुम्हारी तरफ चाइनीज समोसे, वो जरा इधर दो ना। हाय कितना को टाइम रह गया बस, मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। बीजान नहीं आई? वो कह रही कंबख्तों को बता दो पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। अरसल जाके बीजान को लेके आओ, जाओ। जी हाँ जाना, आगा जी को लेकर आओ। और हाँ बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर बेटा, याद से। बिल्लो इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से। बीजान हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है, ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। वोई 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 वोई। हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूं। बिलो जी आप बीजान से क्यों नहीं बात करता? इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ हूँ, आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है क्या मुतालबा था उनके?
बीजन आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल तुम तो नहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? हे जिया, तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अब बड़े ने कोई सोचकर एक फैसला किया होगा बीजान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की, ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा अब आप इफ्तारी तो कर लेना। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जो मन सलवा तुमने मुझे खिलाना, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान, आगा जी, मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया बेटा, बिलो तुम निकाल के लाओ, यही ले आना। हम तो फिर इधर इफ्तारी कर लेते हैं। मुझे कभी टाइम शुरू हो गया। अजान है, देखो अजान हो रही। ये डाले हलीम राके करें। मैं डाइट पे। डोंगा किधर गया? ये लेना, खाए ना पकौड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा दे दो, दवाई खा लेना इसके बाद। देखा कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए तूने अरसल? हाँ माँ, बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है। देखो कैसा बैठ कर मोहब्बत से इफ्तारी कर रहा है, गिटमिट गिटमिट कर रहा है। हमको तो बहुत हंसी आ रही है। अपनी इस हंसी को जरा दबा के ही रखिए जलाल जी, खबरदार जो हमारी खाला जान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। तोबा तोबा, हमारे माँ बाप का तोबा, अगर हम आपकी खाला जान की शान में कोई गुस्ताखी करें तो। वैसे हम सोच रहे कि हम भी आपके साथ कहीं इफ्तारी करें बाहर जाकर। हम सर का हुआ मणि सर का हुआ सोचेंगे। प्यारी लड़की जल्दी खाओ, सीधा इधर लगता है, इधर नहीं लगता। अगर ये बुजुर्ग औरत और मर्द आपस में गिटमिट गिटमिट कर सकते हैं, हम तो अभी जवान है। जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अरे फिरो, यहाँ पे बैठ के यहाँ क्यों, ये क्या?
तुम्हारे लिए गर्म गर्म हलीम लेकर आई हूँ. तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसा लेकर आना. लेकर आए फिलहाल तुम यहाँ से उठो, घर का माहौल बहुत गर्म है. अस्तग़फ़िरुल्लाह कितने बुज़दिल हो तुम सर. अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम जैसे बुज़दिल महबूब होते ना मेरे तो मैंने उसी वक्त गोली मार देनी थी. क्या हुआ है? तुमने बीजान की बातें सुनी थी आज? खुदा का वास्ता असल बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार. ऐसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही है और अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं जिनका हमने सब इंतजार था. वैसे क्या कुछ थी किया हमने इस दिन के लिए आए? खुदा की कसम है. अरे तुम्हें याद है तायर जी को जो मैंने कॉल करवाई थी उमा से, और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ा था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी? वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी अखीर बेइज्जती हुई थी. इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल as usual. भाभी जा, तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे ही पड़ते थे. हाँ तो पढ़ना ही था ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, बेटी घर नहीं आएगी तो ऐसे ही होना था. पागल हो गए. अरे तुमने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ बाहर जाओगी. I'm really sorry. मैं अभी ना पूछ कर आती हूँ. बाय बाय बाय. और हीरो बड़ी सहरे करके आ रहा थाने की. मैंने सुना है बड़े गाने शाने गए तूने वहां पे. हैं बकवास ना कर, मैं तोड़ दूंगा. वो बाद में तोड़ लेना, अभी जल्दी से अंदर भागो. शाना पप्पू तुम्हें ढूंढ रही है. दो मिनट में नहीं पहुंचना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी. ये ले कावा पिए. हराम है जो एक भी लुकमा ढंग का गया हो मेरे अंदर. हाय हाय जमशेद साहब की हो गया है आपको तो ना. आपकी अम्मा का गम लेके बैठ गया. वो नसाकत भाई को देखो हैं, उनकी तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है. आगा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे. हाय जमशेद साहब, या तो आप पूरे खानदान वालों के साथ ना कर लें गुफ्तगू, या बसा लें अपने बेटे का घर. ज्यादती कर रही है आपकी वालदा माजदा साहिबा. मेरी तो समझ में नहीं आ रही, जब मासूमा को एतराज नहीं है तो बीजान क्यों नाराज हो रही है? ये जो नीमा है ना, मुझे पूरा यकीन है इसने तवीर डाले बीजान पे, दिमाग उलट गया उनका. पर आप ना करे परवाह. मासूमा इधर आ, बै इधर आके समझा जमशेद को है, इतनी टेंशन लेके बैठ गया है. वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा है तारे पर. अरे क्या हो गया है, बच्चों के चंगे मुस्तकबल के लिए माँ प्यो को ना कौड़ा घूंट भरना पड़ता है, और बीजान का क्या कल को सेट हो जाएंगे. सही कह रही है वैसे शाना. हाँ तो बस हो गया फिर डन है, होगी सारी गल्ला, बनाओ लिस्टा ते करो शॉपिंग. जी अम्मा बुलाया था. हाँ पुत्र हो गया ना डन. तू पकड़ किंजा को, बिठा मोटरसाइकिल पे और ले जा शॉपिंग के लिए. चल शाबाश. और तुसी कटो क्रेडिट कार्ड. किथे दो चार दिन ठहर के शॉपिंग ना कर ले? आहाए दिन रह गए ने पिछे 14 बोतियां. गल्ला ना करो ते कटो क्रेडिट कार्ड दियो मुंडे नु. ये लो मोटरसाइकिल में नहीं इंसानों की तरह गाड़ी में लेके जाना समझे. चल शाबाश, आइसक्रीम भी खिलाना उसको. सब मत खर्च कर देना. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान हमसे खफा क्यों है. अरे भाई वो ये चाहती हैं कि हम छोटे हैं, लड़की के वालदैन हैं, जमशेद भाई की हर बात सर झुकाकर सुने. क्यों दिमाग खराब हो गया हमारा? और तो और आगा जान भी साथ मिले में उनके. इसलिए दोनों ना मिल मिल के इफ्तारियां करते हैं. देखा था आपने? भाई बीजान को हमारी पोजीशन क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तो कह रही हूँ आपको, ये सब के सब अंदर खाते मिले हुए हैं. वरना सोचे कभी ऐसे हो सकता है कि मासूमा आपा इतना बड़ा फैसला कर ले और हमसे बात तक ना करें उसके बारे में. वैसे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही. मेरे हाथ में की दवा कहाँ है? अम्मा वो शहरयार कुछ बुक्स लेने के लिए जा रहा है अपने लिए, मैं उसके साथ चली जाऊं? अरसल जाएगा साथ? नहीं वो तो किंजा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है. अच्छा ठीक है तुम जाओ, पर जल्दी आ जाना. जी जी मैं आ जाऊंगी. खुदा हाफिज. मैं आपको बता रही हूँ यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं, बीजान को सब पता है. मुझे भी यही लग रहा है. की दवा दे दो. काश ये दिन देखने से पहले
اللہ مجھے اٹھا لیتا. ایسے نہیں کہتے. کیا خبر قسمت میں یہی لکھا؟ پتہ نہیں, ایک ہی گھر میں کیسے رہیں گے, اتنا بغض اور کینہ پال کر ایک دوسرے کے خلاف. بس اب تم خود کو تیار رکھو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس ارسل میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آغا جی اماں نے کہا کہ کنزا کو شاپنگ کرا لوں, تو وہیں جا رہے ہیں. جائیے مگر گاڑی آہستہ چلائیے گا. جی ٹھیک ہے, خدا حافظ. اوکے بھی جان, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اماں مرحومہ کہا کرتی تھی, نے کہا کہ دو بولوں میں بہت طاقت ہے, لیکن میرے ارسل اور جیا پر تو اثر ہی نہیں ہوا اس کا. آغا جی میں اور جیا جا رہے ہیں ذرا باہر تک, اس کو اکاؤنٹس کی بکس لینی ہے, تھوڑی دیر میں آتے ہیں. جی جلدی آ جائیے گا, شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی ہم جلدی آ جائیں گے, ڈونٹ وری. کم لیٹس موو. ایک بات کہوں ممتاز, اگر تم برا نہ مانو. میں تو برا مان کر بھی تھک گئی ہوں, بولو. جہانگیر کا فیصلہ جے آر اور ارسل کے نکاح کے بارے میں کوئی غلط تو نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ تم نے ابھی جے آر اور ارسل کے چہرے پہ وہ خوشی اور اطمینان نہیں دیکھا. ایسا لگتا ہے جیسے دونوں اپنے والدین کے فیصلوں پر بہت راضی ہوں. سنو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم ارسل اور کنزا کو بھی لے آتے نا, کتنا مزہ آتا. جی نہیں. کیوں جیا, ہم اتنے عرصے کے بعد اس طرح ساتھ گھوم رہے ہیں, تم تو مجھے لفٹ بھی نہیں کرا رہی تھی. ہاں تو سچویشن کچھ اور تھی نا شہری, اس وقت اب تو میری ارسل سے دوستی ہو گئی ہے. نام مت لو اس کا. کافی پیو گی؟ ہاں نیکی اور پوچھ پوچھ چلو. اچھا سنو, تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے کوئی گڈ نیوز دینے والے ہو. گیس کرو. مجھے ایڈمیشن مل گیا. یس, ایک نہیں دو جگہوں پر. نہیں کرو, اوے گاڈ آئی کین ناٹ بیلیو دس, تم مذاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ. جی ہاں ایڈمیشن ہو گیا, لیکن لیکن کیا کیا ہوا؟ اسکالرشپ کی وجہ سے یونیورسٹی کی فیس تو معاف ہو گئی ہے, پر ہاسٹل کے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہیں. ارے حد ہو گئی ہے یار, اس کی فکر ہی نہ کرو تم. مجھے ارسل نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے فلی سپورٹ کرے گا. ارسل کیوں, میں کیوں نہیں؟ مطلب شیری, مطلب تم تو میرے ساتھ ہو گئے نا وہاں پر. ہاں مطلب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایڈمیشن لیں گے. تو جیا جب میں آپ کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں گا نا آپ کا, تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. اوکے تمہاری جگہ اگر آج جیا ہوتی نا تو اس نے آدھا شاپنگ مال خرید لینا تھا. یہی تو فرق ہے ہم دونوں کے بیچ, میں اس کی طرح دیر تک ہی شاپنگ نہیں کر سکتی. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب ہے بہت ایکٹیو ہے جیا, بہت اچھی بات ہے کہ جلدی سلیکٹ کرنا اور جلدی چیزیں لے لینا. یو نو میں بغیر سوچے سمجھے کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی, اسی لیے تو میں بعد میں نہیں پچھتاتی. چلو خیر لیو دس ٹاپک, بعد میں آپ کو اور شاپنگ تو نہیں کرنی نا پلیز, میں بہت تھک گیا ہوں. نہیں میرے خیال سے اس کے بعد گھر ہی چلتے ہیں. شکریہ, بہت نیک خیال آیا ہے لیکن بہت لیٹ آیا. کہاں کرائم پارٹنر, قسم سے بہت مس کر رہی ہوں تمہیں اس وقت. بائی گاڈ جیا سخت بور ہو رہا ہوں, کنزا کی بچی کو تو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی جلدی. اچھا بس کر دیں ارسل, آپ نے پورے دن مجھے اگنور کیا ہے, اپنے فون میں گھسے رہے ہیں. اچھا سوری 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 سوری. بیٹا یا آرڈر لے لو پلیز. کیا کھاؤ گی؟ چکن چیز بہت آپ لوگوں کو پسند ہے. بس اور جلدی آ پلیز, لیٹ ہو گیا.
अर्सल के बच्चे, अभी तो तुम्हें कदम कदम पर मेरी कदर होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्लीज यार, प्लीज ग्रो अप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ तुमने? ये छोटी सी बात नहीं है अर्सल, रेस्टोरेंट में पूरा वक्त आप जैक साथ मैसेजिंग कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि वो जिया थी? क्या मुझे नहीं पता कि सिर्फ उसका नाम देख के आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है? बच्ची नहीं हूं मैं। तुम्हें तो मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, अब क्या हो गया? पहले और बात थी अर्सल, अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ और सोच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है किंजा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करना बंद कर दो। बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है अर्सल। तो किस चीज की है? अगर आपने पूरा वक्त जिया 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 ही करना है ना, तो ना छोड़े उसे। मैं कम से कम ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाय किंजा, आ गई तुम? किधर है सल्लू? अपनी चहेती जिया के साथ। क्या? हाय, कैसी गई तुम्हारी डेट? क्या डायलॉग मारी? किस तरह पटाया? मुझे सब कुछ सच सच बता दो जल्दी से। चुप करो, मेरा मूड नहीं है, आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम किंजा के साथ डैम सीरियस हो जाओ हीरो, क्योंकि वही तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी और रानी है। मुझसे नहीं हो पाएगा जिया। हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कर सकता किंजा से शादी। नहीं पता इन जैसी लड़कियों का, ना ये अपना घर बसने देती है ना दूसरों का बसने देती है। मैं जानती हूँ इसको चंगी तरह। देख लो सर, ना अर्सल को क्या दिखा रही है? तू मुझे दिखा है, पहले तुम दोनों माँ बेटियों ने मिलके उस मनहूस में लो माधुरी को जमशेद साहब के पीछे लगाया, अब तू हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गई है। ओ अम्मा, जो मुंह चाही जा रही है बोली जा रही है, कुछ नहीं किया जिया ने। ओ तू रहन दे पुत्र, रा पिया जाने दे, वा पिया जाने, इसकी सारी औकात खुल के मेरे सामने आ गई। ये तो चाहती नहीं की तरह किंजा के साथ ब्याह हो। अरे मैं ताई जी क्यों नहीं चाहूंगी कि इसका ब्याह हो किंजा के साथ? तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुगढ़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अर्सल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़ के सुहा हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी, और तुम दोनों माँ बेटियों की तो वो मिसाल है कि हाथ ना आए अख थू कोड़ी। अर्सल देख लो, तू तो अपनी अम्मा को चुप करा दूंगा। बार बार क्यों अर्सल को बीच लेके आ रही है? तेरा मसला क्या है? तेरी नियत बदल गई है ना? अब तू फिर से अर्सल को फांसना चाहती है क्योंकि तुझे पता चल गया है किसी और लड़के ने तुझे मुंह नहीं लगाना। पागल हो गई है ये औरत। चलो सुने यार। क्यों क्या सुने यार? है अम्मा, तेरी जुबान ने सानू बहुत जलील कराना किसी दिन। मैं वॉर्न कर रहा तेनू। हाय, मेनू वॉर्न करके चला गया है। इधर आ वापस, जाके जुतियां ला। क्या हुआ किंजा? मैंने नहीं करनी शादी किसी अर्सल वर्सल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या खराबी है अर्सल में? अम्मा ये बड़ी बेवकूफ है ये लड़की किंजा। हाँ ये इतला तुझे जिया मैडम ने दी होगी ना। अम्मा हर बात में जिया को ना ले आया करो,
ना कैसे ना डाल लिया करूं। वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है, हैं? मैं तुझे बता रही हूँ, नबेड़ ये जल्दी जल्दी ये स्यापा। और मैं नबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। देखो शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, तुम्हारी ही पसंद से रिश्ता किया था हमने। अम्मी जब तक जिया उसकी जिंदगी में है वो पूरी तरह से मेरा हो ही नहीं सकता। आप ये बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है, पूरा दिन उसी का नाम का पहाड़ा पड़ता है वो, और आग लगती है मुझे। डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? अच्छा बाबा मैं शाहना से बात करूंगी, तुम थोड़ा तहमुल से काम लो, मत फिक्र करो। अच्छा चलो मुझे दिखाओ क्या शॉपिंग की है। हाय अल्लाह क्या हो गया तुझको पुत्र, देख मैं मसूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी है, तू अपना दिमाग सेट कर। आप कर लो बात, पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती जिया से मेरा निकाह कराया है, आप मेरे पल्ले इसको डाल रहे हो। मैं देख रही हूं जेडे चैनल ते तू चल रहा है, तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है, वेले लंगे ने नखरे करा ना ले। अब मार ले जुतियां, कौन सा कोई पहली दफा मारेंगे, हर दफा आपने जुतियों का डरावा दिया मुझे। ना तू मुझे ये बता तेरे अंदर ये पांबड़ क्यों चल रहा है? अम्मा आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। भाई आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ, क्या किया मैंने? देखो मेरा इक्को एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़, आया बड़ा तेनू भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़ जुत्ती और कोई बात ही नहीं आती इस घर में किसी को। करा ली ना अपनी तजलील, आगे तुम्हें सुकून। मुझे तो ये समझ नहीं आती जिया कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अम्मा ताई जी का तो दिमाग ही खराब है। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। तो कजन है वो मेरा? कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, सारे रिश्ते सारे ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। हाँ तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती हूँ, दे दे तलाक। बात तुम्हारे चाहने की या ना चाहने की नहीं है, बात मर के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया सौ सौ किस्म की बातें करती है। हाँ तो आप क्या चाह रही है, इस डर से मैं तलाक ही ना लूँ उससे? तलाक तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे सारी दुनिया लानतान करे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अंदर खाते उसके साथ दोस्त या निवासी फिरो। कुछ भी नहीं है, आप क्या सोच जा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की 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 करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो। सर मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? I'm sorry, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry. ठीक है। छोड़ो। सुनो